सपनों का ये शहर खुली आंखों से देखा ख्वाब है, जिसे हकीकत के धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। सऊदी अरब दुनिया का ऐसा पहला देश है जहां वर्टिकल सिटी बनाने की तैयारी है। वर्टिकल सिटी यानी कि ऐसा शहर जिसका फैलाव जमीन पर नहीं आसमान में ऊंचाई की ओर होगा, यानी कि एक खड़ा शहर होगा। इस शहर में सड़कें नहीं होंगी, कारें नहीं चलेंगी, ट्रैफिक नहीं होगा, गाड़ियों का शोर नहीं होगा, लिहाजा जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। पूरी तरह साफ सुथरे इस शहर में परिवहन का साधन हाई स्पीड ट्रेन होगी, यानी समय की बचत होगी और सुविधा भरपूर होगी। इस शहर का नाम रखा गया है द लाइन। दुनिया के इस पहले वर्टिकल शहर में दफ्तर, घर, पार्क, स्कूल सब कुछ वर्टिकल होंगे। इसके अंदर घर के ऊपर घर बनेंगे, यानी फैलाव में नहीं बल्कि लेयर दर लेयर फ्लैट स्टाइल में होंगे। इस शहर की लंबाई 170 किलोमीटर होगी, चौड़ाई 200 मीटर होगी, लेकिन ऊंचाई इनसे कहीं अधिक 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर होगी। एफिल टावर की ऊंचाई 330 मीटर है। इस लिहाज से द लाइन शहर एफिल टावर से 170 मीटर ऊंचा होगा। सपनों के इस शहर में हाई स्पीड ट्रेन चलेगी, जिससे शहर के एक तरफ से दूसरी तरफ सिर्फ 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा, यानी 170 किलोमीटर की दूरी मात्र 20 मिनट में पूरा की जा सकेगी। यहां पर करीब 90 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। द लाइन शहर कांच की आधा किलोमीटर ऊंची दीवारों से ढका होगा। ये पूरा शहर 100% रिन्यूएबल एनर्जी पर चलेगा, यानी सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा जैसी न्यू एज एनर्जी से चलेगा। यहाँ किसी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, न ही किसी तरह का कोई कार्बन उत्सर्जन किया जाएगा। इसके अलावा आसपास हाईटेक जोन का विकास किया जाएगा। ये करीब 26,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैला होगा, ताकि शहर को हर तरह का सपोर्ट दिया जा सके। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रोजेक्ट के बारे में सबसे पहले जानकारी जनवरी 2021 में दी थी। इसे बनाने में करीब 500 बिलियन डॉलर यानी कि 39.95 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगर सब कुछ सही रहा तो ये अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस शहर साल 2025 तक बनकर तैयार भी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।